एवरीवन, नमस्कार। मैं भावना विजय, क्रिएटर किंग पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लाई हूँ पोंछे को अधिक समय तक कैसे काम में लें कि वह हमारा अधिक से अधिक समय तक चले। क्या होता है कि पोंछा हम लगाते हैं तो उसको जब बीच से ऐसे ऐसे पकड़ करके लगाते हैं तो बीच से तो पोंछा घिस जाता है और उसके ये चार कोने बच जाते हैं, यहाँ से पोंछा साबित रह जाता है और वो बड़ा ही भद्दा लगता है देखने में। तो क्या है कि मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने कहा इसको काम में लेकर के देखती हूँ, और मैंने उसको वैसा किया और काफ़ी सफलता मुझे मिली। तो मैंने कहा चलो मैं इस बात को मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। आज बाज़ार में दो साइज़ के पोंछे आते हैं, तो ये मैंने बड़े साइज़ वाला पोंछा लिया है और इसको मैंने बीच से कट कर दिया। बीच से कट करके ये मेरे को दो हिस्सों में पोंछा मिला और फिर मैंने इसको इसके पोंछे पर यहाँ पर गोट लगा दी। देखिए दो उंगल इधर से इतनी हमने इसमें गोट लगा दी था, तो गोट लगाने के दोनों सिरों पर मैंने ये गोट लगा दी। तो इस तरह से मेरे को दो पोंछे मिल गए, एक ये और एक ये। अब आप इसको काम में लेंगे तो काम में लेने पर ये आपका अधिक समय तक चलेगा। अब क्या एक पोंछा मैं घर के अंदर काम में लेती हूँ और एक पोंछे को घर के बाहर काम में लेती हूँ, दोनों बराबर से ही चलते जाते हैं। फिर बाद में जब ये पतले हो जाते हैं ना, तो आप इसको और भी ज़्यादा समय तक चले, तो उसके लिए क्या, जब ये पोंछे पतले हो जाते हैं तो आप इन दोनों पोंछों को ऊपर रख करके इस तरह से और इस पर पूरे में कच्चा टांका डाल लीजिए। कच्चा टांका डाल के आपके पास फिर से एक मोटा पोंछा आपको मिल जाएगा और आप इसको फिर से काम में ले सकते हैं, फिर आपके उतने ही दिन पोंछा चलेगा। तो इस तरह से आप एक ही पोंछे को तीन बार प्रयोग कर सकते हैं और आपका ये लंबे समय तक पोंछा चलेगा और जो जो रोज़ रोज के फटने के उससे भी आप बच जाएंगे। थैंक यू, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये विचार और ये मेरा उपाय आपको कैसा लगा। Make clear.